अभी तक चुनाव में मतदाताओं के लिए गारंटी दी जा रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, या कहें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। तो उसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल भी गारंटी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं कि इंडी अलायंस की सरकार बनेगी जिसमें आम आदमी पार्टी साझेदार होगी। बीजेपी की सरकार 2024 में नहीं बनने जा रही, इस बात की लिखित गारंटी देने का ऐलान हो रहा है। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। दोस्तों, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना, हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। तो देखा आपने, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी भी मामले पर टिप्पणी करने से मना किया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने भले ही अपने मामले पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के पीछे की वजह को जरूर बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन लीडर यानी एक राष्ट्र एक नेता की सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद है कि देश में एक ही नेता हो और वो हो नरेंद्र मोदी। सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर देते। केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? केजरीवाल को गिरफ्तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। किसी कोई केस नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूं। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को यह समझने की, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। तो देखा आपने, अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर आकर बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। जो कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की वकालत करते थे, आज वो अरविंद केजरीवाल की वकालत कर रहे हैं। बीजेपी ने यहां तक कहा कि कांग्रेस में, इंडिया अलायंस में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को ही पीछे धकेल दिया है और अपने आप को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। आइए आपको सुनवाते हैं सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, जो पहले जवाहरलाल नेहरू जी को महान सोशलिस्ट, राहुल गांधी को साहब कह चुके हैं, मोदी जी को हटाने का संकल्प कर चुके हैं, वो पाकिस्तान का पूर्व मंत्री केजरीवाल जी की तारीफ करने लगा, स्वागत कर दिया। मतलब स्वागत दिल्ली से लेके और इस्लामाबाद तक दिखाई पड़ने लगा। इसके बाद अब किसी के मन में कोई किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। और सुनिए वो क्या क्या बातें बोल जाते हैं। पहले तो उनके पास पता नहीं कहां कहां से ज्ञान आता। पहले कहते थे मेरे पास फला अधिकारी के बारे में पता है, मुझे ये भी पता है। अब वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो उनकी पार्टी के बारे में ज्यादा बात करते हैं। मतलब ये सीधे सीधे चुनौती हो गई कांग्रेस पार्टी के लिए। यानी मियां बाहर आए नहीं कि कहने लगे सबसे इंपॉर्टेंट तो अब हम हो गए विपक्ष में, यानी कांग्रेस पार्टी को सेकेंडरी कर दिया उन्होंने।